नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस वन की फिजिक्स करवा रहा हूँ। और इसके अंदर अपने जो लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक था त्वरण, ठीक है। अपने त्वरण के बारे में पढ़ रहे थे और त्वरण के अंदर अपने जो टॉपिक देख रहे थे वो अपने एक समान त्वरण की बात कर रहे थे, एक समान त्वरण, ठीक है। त्वरण के चार प्रकारों की बात करनी है अपने को। इसके अंदर एक समान त्वरण जो है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यदि समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन समान हो तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक समान त्वरण। यानी कोई एक गतिमान वस्तु है, कोई एक गतिशील वस्तु है और वो क्या कर रही है, वो वस्तु समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन कर रही है तो वो जो उसका त्वरण होगा वो क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। एक आता है इसमें परिवर्ती या असमान त्वरण, ठीक है। परिवर्ती या असमान त्वरण, देखो परिवर्ती या असमान त्वरण का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी अपने पास में कोई एक वस्तु है और ये क्या कर रही है समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन जो है वो क्या हो, असमान वेग परिवर्तन कर रही हो, या किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन जो है वो समान समय अंतराल में असमान हो रहा हो, यानी असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो इस प्रकार की जो गति होगी उसे अपने क्या बोलेंगे, असमान त्वरित गति कहेंगे। और त्वरण को क्या कहेंगे, असमान या परिवर्तित त्वरण कहेंगे। तीसरा देखिए अपने इसके अंदर जो टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक इसके अंदर आता है औसत त्वरण। तीसरा टॉपिक आता है औसत त्वरण, ठीक है। औसत त्वरण का क्या मतलब होता है, औसत त्वरण का मतलब होता है कोई आपके पास में जो वस्तु है उस वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, यानी आपके पास में जो वस्तु है उस वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और तथा वेग परिवर्तन में लगा कुल समय, वेग परिवर्तन में लगा कुल समय, इन दोनों का अनुपात जो है वो अनुपात क्या कहलाता है, वो अनुपात कहलाता है औसत त्वरण, ठीक है। देखिए इसके अंदर मैं आपको एक दो बात और बता देता हूँ। इसके अंदर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, आप लोगों को बोलना होगा कि औसत त्वरण की बात कर रहे हैं तो औसत त्वरण का मतलब होगा कोई वस्तु जो है उसके वेग में कुल परिवर्तन तथा उस कुल परिवर्तन में लगे समय का जो अनुपात है उसे अपने क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ क्या ज़रूरी है, आप लोगों के लिए ये बात ज़रूरी है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखो कि ये तो आप पूरी बात बोलोगे कि कोई गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन तथा उस वेग परिवर्तन में लगा कुल समय, ठीक है। आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर ये पूरी बात लिखनी है कि उस वेग परिवर्तन में लगा कुल समय जो है इन दोनों का अनुपात जो है उसे अपने क्या कहा जाता है, औसत त्वरण कहा जाता है। जैसे अगर औसत त्वरण को अगर मैं एम से लिख देता हूँ, स्मॉल एम का मतलब माध्य हो गया और ए वेक्टर का मतलब त्वरण, एक्सीलरेशन मैंने आपको बताया था, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा डेल वी वेक्टर बटा डेल टी, ठीक है। क्या आएगा, डेल वी वेक्टर बटा डेल टी आएगा। ये यहाँ जो आप लोगों ने लिखा है ये क्या है, औसत त्वरण है, ठीक है। औसत त्वरण का अगर फॉर्मूला लिखना चाहो आप लोग लिख सकते हो औसत त्वरण बराबर वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन और भाग में क्या लिखोगे, इस वेग परिवर्तन में या वेग परिवर्तन में, वेग परिवर्तन में लगा कुल समय, इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, इन दोनों का अनुपात जो है वो आपका यहाँ कहलाता है औसत त्वरण। बिल्कुल लास्ट इसके अंदर जो चौथा आता है वो आता है तात्कालिक
या तात्क्षणिक त्वरण, तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है। तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण का क्या मतलब होता है? तात्कालिक या तात्क्षणिक त्वरण का मतलब होता है किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर या किसी निश्चित समय पर, किसी क्षण विशेष पर या किसी निश्चित समय पर वस्तु के त्वरण का मान, किसी क्षण विशेष पर या निश्चित समय पर वस्तु का त्वरण जो है वो क्या कहलाता है? तात्क्षणिक त्वरण कहलाता है। और तात्क्षणिक त्वरण की अगर बात करें अपने, तो तात्क्षणिक त्वरण को आपको देखना पड़ेगा डेल टी टेंड्स टू जीरो के समय, यानी समय जो है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल अल्प होना चाहिए, एक निश्चित समय होना चाहिए। यहाँ देख सकते हो किसी क्षण विशेष की बात कर रहा है, विशेष क्षण की जब बात की जा रही है तो यहाँ आप लोग क्या करोगे? डेल टी टेंड्स टू जीरो करोगे। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो आपको ए वेक्टर जो है वो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो और डेल वी बटा डेल टी, डेल वी बटा डेल टी त्वरण का सूत्र है ये, ठीक है। अब देखिए अगर लिमिट लगा करके यहाँ इसको लिखा गया है, ये अल्प परिवर्तन है, तो इस समय इसे किसके रूप में लिख दिया जाएगा? इस समय इसे जो है अपने अवकलन के रूप में लिख देंगे, ठीक है। ए वेक्टर जो है वो क्या लिख सकते हो आप लोग? डी वी वैक्टर बटा डी टी लिख सकते हो, यानी आपने क्या लिख दिया है ए वैक्टर को? आपने लिख दिया है डी वी वैक्टर बटा डी टी। ये आपके पास में क्या है? तात्क्षणिक त्वरण का सूत्र है, ठीक है। अगर थोड़ी और बात करें अपने इस सूत्र की, तो देखिए देखो अपने लिख रखा है ए वेक्टर इक्वल डी वी वैक्टर बटा डी टी, ए वेक्टर इक्वल डी वी वैक्टर बटा डी टी। ये किसका सूत्र है भाई? त्वरण का सूत्र है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है कि वस्तु जो है उसका त्वरण अगर आपको निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? वस्तु का जो वेग है, वेग का आप लोग समय के सापेक्ष अवकलन करोगे, और कितनी बार अवकलन करोगे? एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा? जिससे आप लोगों को डी वी बटा डी टी का मान जो है वो मिल जाएगा। और देखिए इसमें आप लोग जानते हो ना कि वी वैक्टर किसके इक्वल होता है? डी एस बटा डी टी के होता है। v वेक्टर किसके इक्वल होता है? डी एस वैक्टर बटा डी टी होता है। देखिए अपने सामान्य जो है ना इसे r वेक्टर से लिखा जाता है दूरी को, तो मैं r से भी लिख देता हूँ इसे, डी आर वैक्टर बटा डी टी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, r से लिख सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है आप किससे लिख रहे हो। अगर r से लिखते तो v वेक्टर किसके इक्वल? डी आर वैक्टर बटा डी टी। ध्यान रखना जो दूरी है वो किसके सापेक्ष बदल रही है? समय के सापेक्ष बदल रही है। तो दूरी का समय के सापेक्ष जो अवकलन आता है वो किसके इक्वल आता है? वेग के इक्वल आता है। और वेग का जो समय के सापेक्ष अवकलन आता है वो किसके इक्वल आता है? त्वरण के इक्वल आता है। यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि अगर आप लोग ये लिख देते ए वेक्टर इक्वल डी बटा डी टी और डी आर बटा डी टी, तो इस समय ए वेक्टर लिखा जाता ए वेक्टर इक्वल डी स्क्वेयर आर वेक्टर बटा डी टी स्क्वेयर, ठीक है। ये किसका मान है? ये आप लोगों के पास में त्वरण का मान है। त्वरण निकालते समय आप लोगों ने क्या किया है? जो r वेक्टर है, जो दूरी r वेक्टर है, इसका आपने क्या किया है? समय के सापेक्ष दो बार अवकलन किया है। दूरी r वेक्टर का आपने समय के सापेक्ष कितनी बार अवकलन कर दिया है? या दो बार अवकलन कर दिया है। तो दूरी का समय के सापेक्ष जब दो बार अवकलन किया जाता है तो उससे जो राशि प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? आपकी त्वरण कहलाती है। यानी अगर दूरी के रूप में आपको पूछा जाए कि दूरी का आप लोग दो बार अवकलन कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? त्वरण मिल जाएगा। अगर वेग दिया हो तो वेग का सिर्फ कितनी बार अवकलन करना है? एक बार अवकलन करना है। समय के सापेक्ष क्या मिल जाएगा? त्वरण मिल जाएगा। यहाँ देखिए आप दूरी का दो बार अवकलन कर रहे हो, पर देखिए आप लोग जैसे ही आपने पहली बार इसका अवकलन किया तो वो क्या बन जाता है? वेग बन जाता है। और वेग का अवकलन जो है वो क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होती है उसी को अपने क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण किस तरीके की राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक है। तो ये अपने कुछ एक टॉपिक थे जिनके अंदर अपने दूरी आ गई और विस्थापन आ गया, चाल आ गई, वेग आ गया और त्वरण आ गया, ठीक है। तो अपने जितनी बातें थी इनके बारे में वो सारी कंप्लीट कर लिए। अब अपने कुछ एक ग्राफ्स की भी बात कर लेते हैं कि अगर इनके ग्राफ पूछे जाएं तो
आपको ग्राफ किस प्रकार से देखने हैं। ठीक है, देखिए अपने आगे टॉपिक, आपका नया टॉपिक है गति का आलेखीय निरूपण। नया टॉपिक आपका गति का आलेखीय निरूपण, गति का आलेखीय निरूपण। ठीक है, गति का आलेखीय निरूपण ये अपना एक नया टॉपिक है। इसके अंदर अपने सबसे पहले देखेंगे स्थिति समय आरेख। सबसे पहले इसके अंदर अपने क्या देखेंगे, स्थिति समय आरेख। ठीक है, तो सबसे पहला अपने इसके अंदर जो टॉपिक आता है वो आएगा स्थिति समय आलेख या आरेख, और अपना ये जो टॉपिक है ये है गति का आलेखीय निरूपण। अब देखिए अपने कुछ एक बातें करते हैं इसके अंदर। तो अपने अब तक क्या किया है, अब तक अपने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण, इन सबको पढ़ा है। परंतु इन सब का एक तो आप लोगों ने परिभाषाओं की बात की है, अब तक आपने क्या पढ़ा है, इनकी परिभाषा पढ़ी है, उसके बाद अपने इसका सूत्र जो होता है सूत्र भी पढ़ लिया। अब अपने क्या कर रहे हैं, इनके आलेख या आरेख जो है, या ग्राफ आप लोग बोल सकते हो, आरेख आलेख या ग्राफ जो है, अपने क्या कर रहे हैं, आलेख खींच रहे हैं। यानी अपने पास जो गति है, इस गति का अपने क्या कर रहे हैं, आलेखीय निरूपण कर रहे हैं। ठीक है, अपने क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास में गति है, इस गति का अपने आलेखीय निरूपण कर रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, गति जो है इनकी परिभाषा देख ली, सूत्र देख लिए, अब अपने क्या देखने वाले हैं, आलेख देखने वाले हैं और ग्राफ देखने वाले हैं। ग्राफ अपने कौन कौन से देखेंगे, तो ग्राफ देखिए एक तो अपने इसके अंदर देखेंगे स्थिति और समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ, स्थिति का और समय का ग्राफ। स्थिति मतलब एस या आर जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, और फिर अपने देखेंगे जो आपका वेग है, वेग और समय ग्राफ, फिर अपने त्वरण और समय की बात करेंगे, और इतना करने के बाद में अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी अभी अपने स्थिति और समय की बात की है, उसके बाद में अपने जो ग्राफ खींचेंगे वो वेग और समय के बीच में, और फिर अपने तीसरा जो खींचेंगे वो आ जाएगा त्वरण और समय के बीच में। ये जो आपका ग्राफ है ये किन के मध्य है, ये ग्राफ है स्थिति और समय के मध्य। इसके अंदर जो पहला आपका टॉपिक आता है वो अपने टॉपिक आता है यदि कण अपना स्थिर है, यदि कण स्थिर है, यदि कण स्थिर है। ठीक है, तो अगर कण स्थिर है तो उसमें किस तरीके का ग्राफ आएगा इसका, तो देखिए अपने ग्राफ किसके मध्य खींचना है। पहले तो अपने ग्राफ के लिए ऐसा बना लेते हैं कि अपने ग्राफ खींचना है, निर्देश तंत्र बना लिया, ये एक्स है, ये वाई है, इस तरफ अपना एक्स है, और ये क्या है, समय टी है। तो ये समय टी है, और ये क्या है, एक्स है, और ओ क्या है, ओ जो है वो इसका मूल बिंदु है। ठीक है, जहाँ एक्स और वाई दोनों निर्देश तंत्र जो है अपने काट रहे हैं। इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि अपने स्थिति और समय ग्राफ खींच रहे हैं, तो इस तरफ अपने स्थिति रख दी और इस तरफ अपने क्या कर दिया, समय रख दिया। देखिए स्थिति की जगह आप लोग एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हो, आर एस इसका मतलब कोई दूरी आएगा। ठीक है, स्थिति आएगा कौन सी पोजिशन पर वो स्थित है। ठीक है, तो अपने एक्स रख रखा है यहाँ पर, और कण अपना क्या है, अगर स्थिर है तो स्थिति समय आरेख देखिए, स्थिति लिख दी, और समय जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे समय बदल रहा है तो कण क्या है, स्थिर है। जैसे देखिए कोई कण यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये कोई मान लिया व्यक्ति है, ये क्या है, टी इक्वल जीरो समय पर इस पॉइंट पर है। जब टी इक्वल पॉइंट दो सेकंड आएगा समय, तब ये यही होगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ये क्या है, कण या व्यक्ति जो है, कण या व्यक्ति या वस्तु जो भी है, ये क्या है, स्थिर है। ठीक है, ये क्या है, स्थिर है। तो टी इक्वल जीरो सेकंड पर या दो सेकंड पर या पाँच पर या दस पर या पंद्रह पर अगर ये स्थिर है तो ये हमेशा कहाँ रहेगा, इसी पॉइंट पर रहेगा। ठीक है, अगर ये इसी पॉइंट पर रहता है तो आप समय को बदलते जाइए, एक्स का मान नहीं बदलेगा। ये किसका ग्राफ आ जाता है, ये कण जब स्थिर होता है तो उसमें स्थिति समय आरेख इसका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कण जो है वो क्या है, स्थिर है। और अगर कण अपना स्थिर है तो अपने चाहे इसे कैसे ही बदलते रहें, समय को जो एक्स के ऊपर अपने लाइन खींच रहे हैं, एक्स एक्स के सीध में जो लाइन खींच रहे हैं, वो लाइन क्या आएगी, एक सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा अपने आता है इसके अंदर एक समान वेग की गति। दूसरा जो है वो है एक समान वेग की गति।
ठीक है। इसके अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर अपने एक समान वेग की बात करनी है, ठीक है। तो एक समान वेग की जब अपने बात करते हैं तो अपने दो ग्राफ बनाते हैं। देखिए दोनों ग्राफों को अपने इस तरीके के दो ग्राफ खींच देते हैं, एक तो यहाँ बनाएंगे अपने, ये x है ये t है, ठीक है। एक समान वेग की बात कर रहे हैं, इस ग्राफ का ढाल निकालेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, इस तरफ से मैं t है और ये इसका x x है और ये x है, x x नहीं है, x x ये है, y x ये, इसी तरीके से ये x x है और ये इसका y x है। जो x x इसका है उस पर अपने समय ले रखा है और जो y x है उस पर अपने दूरी ले रखी है, ठीक है। तो कण जो है उसका वेग आपको क्या दर्शाना है, एक समान दर्शाना है, एक समान दर्शाना है, यानी नियत वेग आपको दर्शाना है। आपको क्या दर्शाना है, नियत वेग दर्शाना है। यहाँ भी आपको नियत वेग दर्शाना है और यहाँ भी आपको क्या करना है, नियत वेग दर्शाना है, नियत वेग दर्शाना है, ठीक है। वेग क्या दर्शाना है आपको, नियत दर्शाना है। यहाँ देखिए अपने ये ग्राफ खींच दिया, ये नियत वेग को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, नियत वेग को दर्शा रहा है। यहाँ थीटा आप लोग देख सकते हो, थीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। थीटा यहाँ क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ अपने ये दर्शा देते हैं, ये ग्राफ बना देते हैं, ये भी नियत वेग को दर्शा रहा है, ठीक है। और यहाँ जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। यहाँ थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, ये 90 डिग्री से बड़ा है और ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अब देखिए ग्राफ के बारे में आपको बता देता हूँ, दोनों ग्राफ क्या कर रहे हैं, नियत वेग को दर्शा रहे हैं। नियत वेग को कैसे दर्शा रहे हैं, जैसे जैसे समय बदल रहे हैं वैसे वैसे स्थिति जो है वो क्या होती जा रही है, बदलती जा रही है। यानी समान समय अंतराल में जो दूरी आ रही है वो क्या आ रही है, समान आ रही है, ठीक है। यानी कण जो दूरी तय कर रहा है वो समान समय अंतराल में समान दूरी जो है वो क्या कर रहा है, तय कर रहा है, ठीक है। परंतु ये वेग जो है वो किस तरीके का आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ भी देख सकते हो, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे दूरी भी इसकी क्या हो रही है, बदल रही है। समान समय अंतराल में समान क्या हो रहा है, इसमें विस्थापन हो रहा है। तो ये भी क्या है, नियत वेग है, परंतु फर्क है दोनों में, ये ऋणात्मक वेग को दर्शा रहा है और ये क्या कर रहा है, धनात्मक वेग को दर्शा रहा है। क्यों दर्शा रहा है, क्योंकि जब इसका आप लोग ढाल निकालते हो, अगर आपका यहाँ तक अगर मैं लिखूँ तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ का क्या करूँ, ढाल निकालता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, अगर इस ग्राफ का आपने ढाल निकाली, ढाल निकाली, ढाल निकालने का क्या मतलब हुआ, ढाल निकालने का मतलब हुआ इस ग्राफ का आपने क्या करें, अगर टेन थीटा ज्ञात करें, तो टेन थीटा अगर इसका ज्ञात किया जाएगा तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री से छोटा है। अगर 90 डिग्री से इसका मान छोटा है तो इसमें इसका ढाल जो आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका ढाल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका ढाल क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये नियत धनात्मक वेग को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है, नियत धनात्मक वेग को प्रदर्शित कर रहा है। और इस ग्राफ का ढाल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इस ग्राफ का ढाल जो है वो क्या प्राप्त हो रहा है, आपको धनात्मक प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। अब देखिए आगे अपने बढ़ते हैं, यहाँ अगर ढाल की बात की जाए, इस ग्राफ की अगर ढाल की बात की जाए, मतलब अगर इस ग्राफ के टेन थीटा की बात की जाए, तो इस ग्राफ का ढाल जो है वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। इस ग्राफ का ढाल जो है वो आपको क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित कर रहा है। किसे प्रदर्शित कर रहा है, ये ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित कर रहा है। इसका ढाल जो है वो नेगेटिव क्यों है, इसका ढाल नेगेटिव इसलिए कि यहाँ जो थीटा आ रहा है वो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो ये दो ग्राफ आपके थे, पहले में पहला जो आपका ग्राफ है इसके अंदर थीटा 90 डिग्री से छोटा है, जो ढाल है वो क्या है, पॉजिटिव है। दूसरे के अंदर थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है और ढाल जो है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये जो है ये धनात्मक नियत वेग को प्रदर्शित करता है, ये ग्राफ क्या करता है, धनात्मक नियत वेग को प्रदर्शित कर रहा है, और ये जो है ये क्या कर रहा है, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक
नियत वेग को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, दोनों ग्राफ में फर्क समझना, दोनों ही ग्राफ किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों ही ग्राफ नियत वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी नियत वेग को प्रदर्शित कर रहा है और ये भी करता है नियत वेग को प्रदर्शित, पर दोनों में फर्क है। इसका डाल जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसके थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। और इसका डाल जो है वो क्या है, नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसके थीटा का मान 90 डिग्री से बड़ा है, इसलिए इसका डाल नेगेटिव है, इसका डाल पॉजिटिव है। तो ये धनात्मक नियत वेग को प्रदर्शित कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ऋणात्मक नियत वेग को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरीके से आपको इसका डाल वगैरह जो है वो निकाल लाना चाहिए, आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तीसरा देखिए आगे, आगे देखिए इसमें, आगे इसमें आता है असमान वेग की गति। असमान वेग की गति की बात करनी है अपने को। तीसरी जो अपने देख रहे हैं इसके अंदर वो देख रहे हैं असमान नियत वेग। तीसरा जो अपने इसके अंदर टॉपिक है वो है असमान वेग की गति, असमान, असमान वेग की गति, असमान वेग की गति। नियत मत लिख देना अभी, शायद पीछे मैंने नियत बोल दिया है, अभी इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आपको क्या लिखना है, असमान वेग की गति लिखनी है, क्योंकि अगर नियत तो लिख दोगे फिर तो ये पीछे वाला ही आ जाएगा ना, तो नियत नहीं है। यहाँ क्या लिखना है, असमान वेग की गति, और पीछे वाला जो टॉपिक था वो क्या था, नियत वेग की गति या एक समान वेग की गति, और ये जो टॉपिक है ये क्या है, असमान वेग की गति है। यहाँ भी दो ग्राफ अपने बनाएंगे, देखिए एक तो इस जगह अपने ग्राफ बना देते हैं, जीरो एक्स और टी, स्पेशल इन बातों का ध्यान रखना, स्थिति समय ग्राफ की बात कर रहा है तो स्थिति और समय के बीच में ग्राफ आएगा। ठीक है, इनका ढाल जो निकाल रहे हो आप लोग, वो ढाल हमेशा किसको बता रहा है, वेग को बता रहा है, और उनके ढाल की बात कर रहे हैं। देखो एक बार ये बात भी आप लोगों को बता देता हूँ मैं, कि आप ग्राफ खींच रहे हो, जैसे ये ग्राफ आप खींच रहे हो, यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है टी। ठीक है, तो इस ग्राफ का जो आप लोग ढाल निकालते हो, ढाल, ढाल निकालने का मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, इसका टेन थीटा ज्ञात कर रहे हो, और टेन थीटा ज्ञात कर रहे हैं तो इन दोनों का आपस में लगता है भाग। ठीक है, इन दोनों का भाग लगेगा, एक्स बटा टी करोगे तो यहाँ जो राशि आएगी वो क्या आएगी, वेग आएगी। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो दोनों को करते हैं अपने गुणा, क्षेत्रफल के लिए दोनों का गुणा किया जाता है, और ढाल के लिए दोनों का क्या लगाया जाता है, भाग लगाया जाता है। ठीक है, क्यों लगाया जाता है, ये तो अपने घटक के अंदर वैसे देख चुके हैं, आप देखना चाहो देख सकते हो। जैसे ये मान लिया इनका परिणामी है, तो इसे इस तरफ बढ़ा दो और इसे इस ओर बढ़ा दो, ये थीटा है, ये एक्स है, अगर इतना एक्स है तो इसके सामने वाली ये भुजा भी क्या होगी, एक्स होगी। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसे आप लोग 90 डिग्री मान लो, फिर ये क्या आ जाएगा, एक्स बटा टी आ जाएगा, अगर टेन थीटा यहाँ से आप लोग ज्ञात करो तो। तो ये आपका टॉपिक होता है कि अपने ये जो है, अपने बात तो कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ की, परंतु निकाल क्या रहे हैं, इनसे वेग निकाल रहे हैं। तो वो वेग क्यों निकल रहा है, क्योंकि इन ग्राफों का जब ढाल निकालते हो आप, ढाल निकालने का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया कि x बटा t कर रहे हो, और जब आप लोग x बटा t कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ, x बटा t करने का, x बटा t करने का मतलब ये हुआ कि आप लोग बात कर रहे हो इसके वेग की। ठीक है, तो एक तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे अपने, और एक ग्राफ इस जगह बना देंगे, ये वाला ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, ये जीरो, ये टी और ये एक्स। ठीक, और यहाँ अपने ये ग्राफ बना देते हैं इस तरीके से, देखना जीरो से शुरू है ये ग्राफ, और दो पॉइंट लेते हैं इस पर, एक पी और एक क्यू, दो पॉइंट है यहाँ, ऐसे स्पर्श रेखा खींच दो, एक स्पर्श रेखा यहाँ खींच दो, और ये कोण आएगा, मान लिया कितना है, थीटा वन है। इसी तरीके से यहाँ स्पर्श रेखा खींच दो, और ये जो कोण आएगा ये कितना आएगा, थीटा टू आएगा। ठीक है, पी और क्यू जो पॉइंट है उस पर एक तो कोण आ रहा है थीटा वन, एक कोण आ रहा है थीटा टू। इसी तरीके से अपने आगे बढ़ जाते हैं, ये ग्राफ देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो आगे जो ग्राफ खींच रहे हो उसे क्या कर दोगे आप लोग, इस तरीके से नीचे की ओर ले आओगे, एक ही लाइन खींचनी है, ये नीचे वाली देख नहीं रही थी इसलिए डबल कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ये ग्राफ बन जाएगा। यहाँ फिर से दो पॉइंट लो आप लोग, ये P और एक पॉइंट इस जगह लेते हैं Q, और
स्पर्श रेखा खींचेंगे दोनों पर, ये तो अपने सीधी लाइन खींच दी, अब स्पर्श रेखा खींचे, ये थीटा वन है और ये क्या है थीटा टू है, ठीक है। तो ये थीटा वन है और दूसरा जो है वो थीटा टू है, ये दोनों जो अपने प्रदर्शित कर रहे हैं ये असमान वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं, दोनों जो ग्राफ आपको सामने दिख रहे हैं दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं असमान वेग को प्रदर्शित कर रहे हैं। इसमें पी और क्यू दो पॉइंट है, एक में थीटा वन और दूसरे में थीटा टू है, ठीक है। तो ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, यहाँ थीटा वन है, ये थीटा वन है, अभी थीटा वन, थीटा वन, और ये जो है वो थीटा टू है। तो असमान वेग की बात की जा रही है, ठीक है, असमान वेग की बात कर रहे हैं। असमान वेग कब आएगा, असमान वेग तब आएगा जब आप लोग क्या करो स्थिति समय ग्राफ जो है, स्थिति समय ग्राफ जो है उसे खींचो, और उसे अगर आप खींच रहे हो उसके अंदर आपको सबसे पहले बात करनी पड़ेगी असमान वेग की। और असमान वेग मैंने आपको बताया कि असमान वेग का मतलब क्या होता है, असमान वेग का मतलब ये होता है कि अगर कोई वस्तु समान समय अंतराल के अंदर असमान दूरी तय कर रही है, ठीक है, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, तो उसमें जो आपके पास में वेग आता है वो कौन सा वेग आता है, वो आता है असमान वेग। यहाँ आप लोग देख सकते हो जैसे जैसे अपने क्या कर रहे हैं समय में परिवर्तन कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप लोग समय बदल रहे हो x का मान भी क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, परंतु ये जो परिवर्तन जो है x और t में, ये परिवर्तन किस तरीके का है, असमान परिवर्तन है, असमान वेग की कंडीशन है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे समय बदल रहे हो यहाँ ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा था, फिर अचानक से ये ग्राफ जो है ऊपर जाना शुरू कर देता है, ढाल निकालते हैं, ये थीटा वन आता है, ये थीटा टू आता है। आप देख सकते हो कि अगर आप लोग ये ग्राफ बिल्कुल ठीक तरीके से बनाते तो इसमें आपको साफ दिख जाता कि थीटा टू जो है वो क्या है, थीटा वन से बड़ा है। इसी तरीके से इसे जब अपने खींचे तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हो कि थीटा वन जो है वो क्या है, थीटा टू से बड़ा है, यहाँ थीटा वन बड़ा है और यहाँ जो है वो थीटा टू बड़ा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ये अचानक से ऊपर की ओर जा रहा है और ये क्या हो रहा है, ग्राफ जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। यहाँ अगर टेन थीटा निकाला जाता, यहाँ क्या निकाला जाता, टेन थीटा निकाला जाता, अगर मैं नीचे लिख दूँ इसके, देखिए तो यहाँ टेन थीटा टू जो है वो क्या आता, बड़ा आता किससे, टेन थीटा वन से। टेन थीटा टू क्या आता, बड़ा आता किससे, टेन थीटा वन से। और यहाँ जो है, यहाँ टेन थीटा वन, यहाँ टेन थीटा वन बड़ा आता किससे, टेन थीटा टू से। तो इस जगह तो क्या है, टेन थीटा वन बड़ा है और इस जगह जो है वो कौन बड़ा है, टेन थीटा टू बड़ा है। यहाँ टेन थीटा टू बड़ा है और यहाँ टेन थीटा वन बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर थीटा टू बड़ा है और इस जगह आप लोग देख सकते हो थीटा वन जो है उसका मान क्या है, थीटा टू से बड़ा है, ठीक है। तो इस ग्राफ की अगर बात की जाए, टेन थीटा टू यानी इस ग्राफ के अंदर अगर अपने ढाल ज्ञात करें तो ढाल जो है वो कौन से पॉइंट पर ज़्यादा है, वो क्यू पॉइंट पर ज़्यादा है और पी पॉइंट पर ढाल जो है वो क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेग की बात करें कि ये जो क्यू पॉइंट है इस पर वेग वी क्यू है और इस पॉइंट पर वेग कितना है, वी पी है, तो आपको पता चल जाएगा इससे कि वेग जो है कौन से पॉइंट पर ज़्यादा है, वेग जो है Q पॉइंट पर ज़्यादा है, ठीक है। जो Q पॉइंट है उस पर वेग क्या है, ज़्यादा है, और जो P पॉइंट है उस पर वेग क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है टेन थीटा टू जो है वो क्या है, टेन थीटा वन से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q पॉइंट है उस पर ढाल जो है, उस ढाल का मान क्या है, ज़्यादा है। इतनी बात अगर आपके समझ में आई तो आगे वाले डायग्राम को आप लोग देखो। आगे वाले डायग्राम के अंदर अपने क्या कर रहे हैं, इस डायग्राम के अंदर अपने टेन थीटा वन देख रहे हैं और टेन थीटा टू देख रहे हैं, और इसके अंदर जो थीटा वन है, ये थीटा वन जो है आपका, ये थीटा वन थीटा टू से क्या है, बड़ा है। अगर थीटा वन थीटा टू से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने ढाल की याद करेंगे तो टेन थीटा वन जो है वो क्या आएगा, बड़ा आएगा, और जो टेन थीटा टू है वो क्या आएगा, छोटा आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग वेग की बात करो तो जो पॉइंट पी है इस पर तो वेग कितना, वी पी, और क्यू पॉइंट पर वेग कितना है, वी क्यू। तो जो आपका पी पॉइंट है इस पर तो वेग कितना है, वी पी है, और जो क्यू पॉइंट है इस पर वेग कितना है, वी क्यू है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो वी पी है वो बड़ा है किससे, वी क्यू से। यानी यहाँ अगर आप लोग बात करो तो जो आपका P पॉइंट है उस पर कण का वेग ज़्यादा है, और उसके बाद में जो Q पॉइंट आता है उस पर वेग का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस जगह की अगर बात की जाए तो जो आपका Q पॉइंट है इस पर वेग का मान ज़्यादा है और जो P पॉइंट है इस पर वेग का मान क्या है, कम है। तो यहाँ Q पॉइंट पर वेग ज़्यादा है और यहाँ जो है वो P पॉइंट पर वेग जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों ही पॉइंट पर आप लोग देख सकते हो ढाल जो है उसका मान ज़्यादा है। ढाल का मान क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो कोण यहाँ पर आपके पास
पास में दिया गया है उस कोण का मान इन जगह पर क्या है, ज़्यादा है। तो ये आपका ग्राफ आता है इसके अंदर असमान वेग की गति का ग्राफ, ठीक है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे वेग समय आलेख की, ठीक है। अभी अपने बात की स्थिति समय आलेख की, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने वेग समय आलेख पढ़ेंगे, ठीक है। और वेग समय आलेख जो है उसका ढाल जो है वो अपने ज्ञात करेंगे, ठीक।